अबुल कलाम आजाद, एक्सपोनेंट ऑफ एजुकेशन, ह्यूमैनिज्म एंड कंपोजिट कल्चर, एक हाई मॉरल इंटीग्रिटी के शख्स मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो पूरी जिंदगी लोगों से सम्मान पाते रहे, जिन्होंने भारत के नेशनल मूवमेंट कई इंटेलेक्चुअल डायमेंशन को जोड़ा, आगे बढ़ने के लिए रास्ता तैयार किया, एक इंटेलेक्चुअल पर एक्सलेंस जिसने इंडियन एजुकेशन में हमेशा के लिए अपनी लीगेसी छोड़ी। वो ऐसे व्यक्ति थे जिसने भारत को एजुकेशन की वैल्यू बताई, वो शख्स जिसने अपने दिमाग को क्रिएटिवली डेवलप किया, भारत के लिए जिसकी सबसे बड़ी विरासत उनका बेशकीमती दिमाग और डीप ह्यूमैनिज्म था। वह एक शब्दों के महान जादूगर थे जिसने एजुकेशन और ह्यूमैनिज्म की ग्रोथ के लिए बिना रुके काम करके अपने बोझ को हल्का किया। फॉर्मेटिव ईयर्स। आजाद का जन्म 11 नवंबर 1888 को मक्का में हुआ। उनका असली नाम सैयद गुलाम मुहियुद्दीन अहमद बिन खैरुद्दीन अल हुसैनी था, लेकिन बाद में उन्हें मौलाना अबुल कलाम आजाद के रूप में जाना जाने लगा। आजाद के पिता अफगान के एक मुस्लिम स्कॉलर थे जो दिल्ली में रहते थे। 1857 के इंडियन रिवॉल्यूशन के बाद वो भारत छोड़कर मक्का में बस गए। उनके पिता मोहम्मद खैरुद्दीन बिन अहमद अल हुसैनी ने 12 किताबें लिखी, उनके हजारों फॉलोअर थे और वो महान वंश से होने का दावा करते थे, जबकि उनकी माँ शेखा आलिया बिन मोहम्मद खुद शेख मोहम्मद बिन जहर अलवात्री की बेटी थी, जो मदीना के महान स्कॉलर थे और जिनकी रेप्यूटेशन अरब के बाहर भी फैली हुई थी। 1890 में आजाद और उनका परिवार कलकत्ता चले गए। 13 साल की उम्र में उनका विवाह एक मुस्लिम लड़की जुलेखा बेगम से हुआ। एजुकेशन। आजाद एक होम स्कूल और सेल्फ टॉट किड थे। अरेबिक में फ्लुएंट होने के बाद आजाद ने बंगाली, हिंदी, फारसी और इंग्लिश सहित कई दूसरी लैंग्वेजेस को सीखना शुरू किया। उन्होंने मैथ्स, फिलॉसफी, वर्ल्ड हिस्ट्री और साइंस के टीचर से पढ़ाई भी की। छोटे से आजाद एक एविड और डिटरमाइंड स्टूडेंट थे और 12 साल की छोटी उम्र में ही एक लाइब्रेरी, रीडिंग रूम और डिस्कशन सोसाइटी चलाते थे। उन्होंने अपने साथियों से 9 साल पहले ही अपनी पढ़ाई का ट्रेडिशनल फील्ड 16 साल की उम्र में पूरा कर लिया और इसी उम्र में एक मैगजीन भी पब्लिश की। करियर एज अ जर्नलिस्ट। 1899 में आजाद ने कम उम्र में ही जर्नलिज्म की शुरुआत कर दी थी। उन्होंने कलकत्ता में पोएटिक जर्नल नायरंग ए आलम की पब्लिशिंग शुरू की और 1900 में वीकली मिसबाह के एडिटर बने। आजाद ने जर्नल्स और उर्दू मैगजीन्स में मखजन, एहसानुल अखबार और खदंग ए नजर जैसे आर्टिकल्स लिखे। 1903 में उन्होंने एक मंथली न्यूज़पेपर लिसान उस सिदक पब्लिश किया, जो दिसंबर 1903 से मई 1905 तक पब्लिश हुआ और फंड्स की कमी के कारण बंद हो गया। इसके बाद उन्होंने शिवली नोमानी के कहने पर नदवातु एल उल्मा के इस्लामिक थियोलॉजिकल जर्नल अल नदवा को ज्वाइन कर लिया। उन्होंने अमृतसर में अप्रैल 1906 से नवंबर 1906 तक चले न्यूज़पेपर वकील में एडिटर के रूप में काम किया। इसके बाद वो जल्द ही कलकत्ता चले गए, जहां उनके दारुल सल्तनत के साथ रिलेशन बने। लेकिन कुछ महीनों बाद ही वो अमृतसर लौट आए और फिर से वकील के एडिटर के रूप में अपना काम शुरू किया। उन्होंने जुलाई 1908 तक वहाँ काम करना जारी रखा। पॉलिटिकल एक्टिविटी एज अ नेशनलिस्ट। 1908 में आजाद मिस्र, सीरिया, तुर्की और फ्रांस गए, जहां वो कई रिवॉल्यूशनरीज के कांटेक्ट में आए।
आजाद ने उस समय के ज्यादातर मुसलमानों के लिए हार्श पॉलिटिकल ओपिनियन डेवलप किया, जो फुल फ्लेज्ड इंडियन नेशनलिज्म बन गया। आजाद ने निडर होकर रेसिज्म और भारत के लोगों की जरूरतों को इग्नोर करने के लिए अंग्रेजों को क्रिटिसाइज किया। उन्होंने सोशल इश्यूज को नेशनल इंटरेस्ट से आगे रखने और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के कम्युनल सेपरेटिज्म को रिजेक्ट करने के लिए मुस्लिम पॉलिटिशियंस को भी क्रिटिसाइज किया। आखिरकार वो रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज में और भी एक्टिव हो गए। अल हिलाल मूवमेंट। 1912 में आजाद ने एक उर्दू वीकली न्यूज़पेपर अल हिलाल की पब्लिशिंग शुरू की, जिसका उन्होंने ब्रिटिश पॉलिसीज पर सवाल उठाने और उन पर हमला करने के लिए हथियार के रूप में इस्तेमाल किया। इंडियन आइडियल्स को फॉलो करते हुए आजाद के पब्लिकेशन ने यंग मुस्लिम्स को आजादी की लड़ाई में शामिल होने के लिए इंस्पायर किया और हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया। हालांकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की शुरुआत के साथ ही अंग्रेजों ने पॉलिटिकल सेंसरशिप और रिस्ट्रिक्शंस को और कड़ा कर दिया, और क्योंकि आजाद के पब्लिकेशन को लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल चुकी थी, इसलिए अंग्रेजों ने इसे 1914 के प्रेस एक्ट के तहत बैन कर दिया। 1913 में आजाद अंजुमन ए उलेमा ए बांग्ला के फाउंडिंग मेंबर बने, जो 1921 में जमीयत उलेमा ए हिंद की ब्रांच जमीयत उलेमा ए बांग्ला बन गया। आजाद के काम ने बंगाल में हिंदू और मुसलमानों के रिलेशंस को सुधारने में मदद की, जो सेपरेट कम्युनिटी इलेक्शंस के इशू और बंगाल के बंटवारे की कंट्रोवर्सी के कारण बिगड़ गए थे। खिलाफत मूवमेंट। आजाद ने तुर्की के सुल्तान, जो दुनिया भर के मुसलमानों के खलीफा माने जाते हैं, की पोजीशन को डिफेंड करने के लिए खिलाफत मूवमेंट को भी एक्टिवली सपोर्ट किया। सुल्तान ने वॉर में इंग्लैंड का साथ दिया और इस वजह से तुर्की में उसके राज पर खतरा मंडरा रहा था। इससे मुसलमानों में तनाव पैदा हुआ। आजाद को इस मूवमेंट से भारतीय मुसलमानों को मजबूत करने का और सोशल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स लाने का मौका मिला। आजाद ने एक डेली अल बलाग को फाउंड किया, जिसे 1916 में इंडियन डिफेंस एक्ट के तहत बैन कर दिया गया और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुंबई प्रेसिडेंसी की गवर्नमेंट, यूनाइटेड प्रोविंसेस, पंजाब और दिल्ली ने आजाद की एंट्री पर बैन लगा दिया और उन्हें रांची जेल में ट्रांसफर कर दिया, जहां वो 1 जनवरी 1920 तक रहे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। अपनी रिहाई के बाद आजाद अंग्रेजों के खिलाफ रिबेलियन की फीलिंग्स के साथ राजनीतिक माहौल में लौट आए। भारत की जनता 1919 में रोवाल्ट एक्ट के आने और 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में निर्दोष लोगों के मारे जाने के कारण नाराज थी। गांधी ने एरिया के लोगों को ऑर्गेनाइज किया और सत्याग्रह और नॉन वायलेंस और सेल्फ रिलायंस के साथ मास सिविल डिसोबीडियंस की शुरुआत की। आजाद ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट पर गांधी जी के साथ काम किया और सभी भारतीयों से ब्रिटिश स्कूल्स, कॉलेजेस, कोर्ट्स, पब्लिक सर्विसेज, सिविल सर्विसेज, पुलिस और आर्मी का बॉयकॉट करने के लिए कहा। नॉन वायलेंस और हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर दिया गया और विदेशी सामान, खासकर कपड़ों का बॉयकॉट किया गया। आजाद कांग्रेस में शामिल हुए और खिलाफत की ऑल इंडिया कमेटी के चेयरमैन भी चुने गए। हालांकि आजाद और दूसरे नेताओं को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन इस मूवमेंट ने पीसफुल प्रोसेशन, स्ट्राइक्स और प्रोटेस्ट में लाखों लोगों को शामिल किया। एक्टिविटीज अलोंग विथ गांधी जी। आजाद और गांधी दोनों में धर्म के लिए एक गहरा जुनून था और आजाद उनके दोस्त बन गए। उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद के सिंपल लिविंग, मटेरियल गुड्स और प्लेजर्स को रिजेक्ट करने के विचारों को एक्सेप्ट किया। वो चरखे पर खादी का इस्तेमाल करके अपने कपड़े बनाने लगे और गांधी के आश्रमों में फ्रिक्वेंटली पार्टिसिपेट करना और रहना शुरू कर दिया। 1921 में आजाद ने वीकली पैगाम की शुरुआत की, उसे भी दिसंबर 1921 में बैन कर दिया गया। वायलेंट इंसिडेंट्स बढ़ने के साथ ही खिलाफत और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट तेजी से नाकाम होने लगे।
1922 में जब नेशनलिस्ट माफिया ने चौरी चौरा में 22 पुलिस वालों को मार डाला तो गांधी ने मूवमेंट को सस्पेंड करने के लिए कहा और 5 दिनों तक उपवास रख के पश्चाताप किया। 1923 में आजाद कांग्रेस के चेयरमैन चुने जाने वाले सबसे कम उम्र के शख्स बने। आजाद ने नागपुर में सत्याग्रह को ऑर्गेनाइज करने की कोशिशों को लीड किया। आजाद ने दिल्ली में 1924 के यूनिटी कॉन्फ्रेंस में भी चेयरमैन के रूप में काम किया। इसके बाद आजाद ने पूरे इंडिया में ट्रेवल किया और गांधी के विजन, एजुकेशन और सोशल रिफॉर्म्स को प्रमोट करने के लिए बड़े पैमाने पर काम किया। आजादी के बाद 15 अगस्त 1947 को भारत का पार्टीशन और आजादी अपने साथ पूरे भारत में हिंसा का नासूर लेके आई। आजाद ने भारत में मुसलमानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली, अफेक्टेड एरियाज में गए, रेफ्यूजी कैंप्स में सप्लाईज और सिक्योरिटी को चेक किया। आजाद ने बॉर्डर एरियाज में लोगों को शांति बनाए रखने के लिए भाषण दिया और पूरे देश के मुसलमानों को बिना किसी डर के भारत में रहने के लिए एनकरेज किया। आजाद भारत में मुस्लिमों के रिहैबिलिटेशन और सभी भारतीयों के सेक्युलरिज्म, रिलीजियस फ्रीडम और इक्वालिटी के लिए कंसर्न थे। उन्होंने मुसलमानों को कोर्ट में मुस्लिम पर्सनल राइट्स का फायदा देने वाले प्रोविंसेस को सपोर्ट किया। आजाद ने यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए स्कूल्स और कॉलेजेस के कंस्ट्रक्शन और बच्चों और यंग एडल्ट्स की एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए नेशनल प्रोग्राम्स बनाने पर ध्यान दिया। आजाद 1952 और 1957 में रामपुर और गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट से इंडियन पार्लियामेंट के लोअर हाउस लोकसभा के लिए चुने गए। आजाद ने नेहरू की सोशलिस्ट इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल पॉलिसीज को सपोर्ट किया और डिसएडवांटेज्ड औरतों और बच्चों के लिए सोशल राइट्स और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को प्रमोट किया। 1956 में वो दिल्ली में हुए यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट बने। आजाद ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल अपनी किताब इंडिया विंस फ्रीडम लिखते हुए बिताए, जिसमें इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल और इसके रूलर्स के बारे में डिटेल में बताया गया है। ये किताब 1959 में पब्लिश्ड हुई। भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर के रूप में, भारत के पहले शिक्षा मंत्री के रूप में आजाद ने गांव के गरीब लोगों और लड़कियों की एजुकेशन पर ध्यान दिया। सेंट्रल एडवाइजरी काउंसिल ऑफ एजुकेशन के चेयरमैन के रूप में उन्होंने एडल्ट लिटरेसी, यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, 14 साल तक के सारे बच्चों के लिए फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, एजुकेशन फॉर गर्ल्स और सेकेंडरी एजुकेशन और वोकेशनल ट्रेनिंग के डाइवर्सिफिकेशन को एनकरेज किया। आजाद ने दिल्ली में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन को एस्टैब्लिश किया, जो बाद में रिसर्च सेंटर फॉर सॉल्विंग द न्यू एजुकेशनल प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री के रूप में दिल्ली यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बना। उनकी लीडरशिप में एजुकेशन मिनिस्टर ने 1951 में पहली इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और 1953 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन एस्टैब्लिश किया। उन्होंने बैंगलोर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस और दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ फैकल्टी ऑफ टेक्नोलॉजी पर भी फोकस किया। मौत। इस महान स्कॉलर पॉलिटिशियन की 22 फरवरी 1958 को एक स्ट्रोक से मौत हो गई। लीगेसी। 1992 में भारत सरकार ने आजाद को मरणोपरांत भारत रत्न देकर सम्मानित किया। मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो आजाद भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे और 15 अगस्त 1947 से 2 फरवरी 1958 तक इस पद पर बने रहे, के जन्मदिन 11 नवंबर के मौके पर भारत में नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। सेंट्रल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने सोसाइटी में एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए 1989 में आजाद के 100वें जन्मदिन के मौके पर मौलाना आजाद एजुकेशन फाउंडेशन की स्थापना की। आजाद को जमात ए इस्लामी के फाउंडर्स में से एक और इसके सबसे बड़े प्रोटेक्टर के रूप में जाना जाता है। निष्कर्ष। नेशन बिल्डिंग में आजाद का कंट्रीब्यूशन ट्रूली रिमार्केबल है। यूनाइटेड और प्रोग्रेसिव नेशन के उनके विजन ने भारतीयों के दिमाग में ग्रेटिट्यूड और पेट्रियोटिज्म की भावना जगाई। एक ग्रेट स्कॉलर और नेशनलिस्ट, आजाद ने एक ऐसा देश बनाने के लिए काम किया
जहां सारे लोग प्यार से और एक दूसरे के ट्रेडिशन को रिस्पेक्ट करते हुए रहे। उन्होंने एक सेक्युलर नेशन का सपना देखा और देश भर के मुसलमानों को दूसरे धर्म के लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहने और काम करने के लिए एनकरेज किया। आजाद ने एजुकेशन की वैल्यू को पहचाना और सभी भारतीयों खासकर महिलाओं को एजुकेट करने पर जोर दिया। उन्होंने हमारे देश के नेशनल इंस्टीट्यूशन की एस्टैब्लिशमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया और एजुकेशन सिस्टम का स्ट्रॉन्ग बेस बनाने की डायरेक्शन में एक कदम आगे बढ़ाया। ह्यूमैनिज्म के सिंबल आजाद के काम और उनकी लीगेसी को हमेशा याद रखा जाएगा। एक सच्चे विजनरी जिन्होंने हमारे देश के दुखद भाग्य की भविष्यवाणी की और इसे गलत साबित करने के लिए लगातार कोशिश की, वो एक सच्चे देशभक्त थे जिसने हमारे देश को लीड किया।